हेलो फ्रेंड्स, इट इज मेस एनालिसिस कॉन्सेप्ट। यह हमारा मेस एनालिसिस कॉन्सेप्ट है। मेस एनालिसिस, इसे केवीएल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। यदि आपको यदि कोई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर नहीं बन रहा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, तो जिससे मैं उसको सॉल्व कर दूँ इस मेथड पे बनाने का। तो मेस एनालिसिस हम लोग जानते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू सोर्स पोटेंशियल ड्रॉप। दिस मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू सोर्स। बस हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है सर्किट में उसको हम सोर्स के बराबर कर देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप होती है हमारी रेसिस्टेंस कोई भी सर्किट के चलते, इसमें सोर्स हो गई हमारी बैटरी जो डिलीवरिंग करती है पावर। ठीक है, तो इसको करने के लिए यह थोड़ी लॉजिकल है थोड़ी ये, लेकिन इसमें कोई लॉजिकल नहीं, ईजी ट्रिक्स है, वेरी ईजी है। बस ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान क्या इसमें लॉजिक है। तो सबसे पहले चलिए एक सर्किट हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें दो तीन सर्किट हम लोग देखेंगे। देख लीजिए, एक ये हो गई, ये बैटरी हो गई, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, और ये बैटरी, यहाँ पे भी एक ले लेते हैं। ठीक है, 2 ओम ले लेते हैं सभी को, 2 ओम, 2 ओम, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो हमारा केस जो है, हाउ टू स्टेप वन स्टेप टू, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप वन सबसे पहले इसमें करंट की डायरेक्शन निकालेंगे, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सभी लूप में लगाएंगे, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑफ करंट। ठीक है, तो इसमें करंट हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से करंट निकलेगी, तो एक ही डायरेक्शन हम लोग देखेंगे कि नहीं तो इधर से और इधर से नहीं, एक ही डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। ये हमारा इधर आ गई और इधर ये गई, ये करंट इधर गई और इधर आ गई और इधर आ गई। ठीक है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई। अब स्टेप सेकंड पे आते हैं। ठीक है, अब स्टेप सेकंड पे आते हैं तो कंसिडर्ड लूप कंसिडर करने में, लूप कंसिडर्ड। इसमें हमारा लूप एक है और दो, एक लूप हो गई और दो हो गई। तो इसमें हम सबसे पहले एक डायरेक्शन हम लोग क्लॉकवाइज में बना लेंगे। हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज में ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लॉकवाइज में लेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज में लेंगे। तो इसमें ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे कि ये जो है, ये जो पॉजिटिव हम लोग लिए हैं तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा और इस निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमेशा हम लोग आगे निगेटिव लेंगे, हर केस में निगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यदि इस पे क्वेश्चन नहीं बने दोस्तों तो मुझे आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा मेस एनालिसिस पे। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने करंट लिया है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, करंट के हम लोग अपोजिट लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगी प्लस, ये है माइनस। इसको हम लोग प्लस नहीं ले सकते हैं और इसको माइनस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये हो गई, और ये हो गई हमारी पॉजिटिव साइड और निगेटिव, फिर उसके बाद इधर पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं तो ये निगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। निगेटिव क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि करंट के डायरेक्शन हम लोग रेजिस्टेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, ये इजी सा ट्रिक है, बस ध्यान देने वाली बात है, आप 2-3 क्वेश्चन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक
ठीक है, इसके लिए इस लूप और इस लूप में देख लिए, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखेंगे, ठीक है। ये हो गई, अब इस पे इक्वेशन आएंगे बनाने के लिए। तो पॉजिटिव से जा रही है तो ये 3 वोल्ट हो गई, ठीक है, और ये माइनस हो गई तो 2I1, ये I1 इसमें गई और इसमें I2, ठीक है, तो -2I1। अब इसमें आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम लोग इसमें भी I1 है, इसमें I1 I2 है, तो इसमें वह पहले तो इसमें -2 लिख देंगे। अब यहाँ आती करंट की, करंट वो लिखेंगे जो इससे जा रहा है, इससे जो फ्लो कर रहा है I1 वो हायर मानेंगे, और जो दूसरे में करंट इसको लोअर है, तो हायर मानेंगे तो हायर माइनस लोअर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नहीं है इस लूप में तो 0, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब आते हैं इस लूप पे, तो इस लूप में सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, डायरेक्शन इधर से है तो 5 वोल्ट है, तो -5 वोल्ट निगेटिव है, ये -5 वोल्ट। अब इधर आते हैं तो ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव लिख देंगे और 2। अब जानते हैं कि जिस लूप में जा रहे हैं तो वो हायर हो जाएगी और ये लोअर हो जाएगी, तो ये I2 हो गई और ये I1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं -2, ये I2 हो गई, जी ये हमारा इक्वेशन हो गई, और इससे हम सॉल्व करके I1 I2 निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चलिए एक और क्वेश्चन इस पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये बैटरी हो गई, ये रेसिस्टेंस और ये डायरेक्ट, इसमें एक ही बैटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और ये इस तरह गई और ये इधर आके, ठीक है। तो एक डायरेक्शन हम लोगों ने कंसिडर कर ली, तो सबसे पहले इसमें हम लोग लूप कंसिडर करेंगे, तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 बना दिए, प्लस की डायरेक्शन में I1 और I2, ठीक है। तो इस लूप में आते हैं, इस लूप में आने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि 3 वोल्ट बैटरी है हमारी, तो 3 वोल्ट बैटरी इधर आएंगे तो पॉजिटिव, और सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि करंट के डायरेक्शन में हमेशा इसको इधर पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव नहीं लेंगे हम लोग, इसका पोलरिटी अपोजिट लेंगे, इसका निगेटिव हो गया पॉजिटिव, इसका निगेटिव हो गया पॉजिटिव, बस साइन देखने वाली बात है, बस इसी को देखने वाली बात है और कुछ नहीं। ये निगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव, आराम से इसको निगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में हम पोलैरिटी जो होता है हम अपोजिट लेंगे, फिर ये हमारी, फिर इधर आएंगे तो इधर करंट के डायरेक्शन इस साइड है, इसलिए निगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ये फिर इधर से आएंगे तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, बस यही ध्यान देने वाली बात है। तो ये 3 वोल्ट, ये R1 ले लेते हैं, R1 I1, फिर उसके बाद -R2 I2, और ये -R3 I3, ठीक है। इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं, इस लूप में आएंगे, देखिए अब यहाँ पे है I2, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो R1 R2 R3 R3 में क्या हो जाएगा, ये हायर है लोअर है, तो I1 माइनस I2। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये I1 माइनस I2 होगी, क्योंकि यह इसमें I2 भी करंट फ्लो हो रही है, R1 भी फ्लो हो रही है, ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। अब इस लूप में आते हैं, इस लूप में आते हैं तो सबसे पहले इसमें आते हैं, तो R2 माइनस में है, सबसे पहले माइनस इधर से डायरेक्शन में जा रहे हैं, I2 × I2, और इसमें आते हैं तो ये भी माइनस माइनस I2, ये हायर है इससे कम, I1, और इस रेसिस्टेंस का नाम है R3, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए सेम कॉन्सेप्ट, यदि इस कॉन्सेप्ट पे यदि क्वेश्चन नहीं बनना है तो आप प्लीज
प्लीज शेयर ऑन व्हाट्सएप, माई नंबर इज 8003924151। आई सॉल्व बाई दिस मेथड।